मल्टीप्लाई 3.7, ठीक मेरे बेटा, ये मेरे बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं, अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, तो सूरत हाल कुछ यूं हो जाएगी, 2+6 अयोटा मल्टीप्लाई 3+7 अयोटा, ठीक है। इसको अयोटा वाली फॉर्म ऐसे होती है। अब मेरे बेटा सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को उठा के सबके साथ मल्टीप्लाई, 2 3 6 +14 अयोटा +18 अयोटा +6 7 42 और अयोटा स्क्वायर। वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 6। मेरे बेटा ये 14 अयोटा और ये 18 अयोटा, ये हो जाएंगे 32 अयोटा और ये हो जाएगा -42। ओके, 6 और -42, ये -36 +32 अयोटा। ये मेरा बेटा हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया, क्योंकि उसका जो आंसर था वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में था, इसको भी आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एंड बता सकते हो, -36, 32, इसमें कॉमा भी है और ब्रैकेट भी है, भूलना नहीं, आपने ब्रैकेट्स भी लगानी है, कॉमा भी, इसमें प्लस और आयोटा होता है। ये मेरा बेटा इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 2.6 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइडिंग बाय 3.7 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसको सिंपलीफाई करते हैं मेरा बेटा। जी बेटा, इसको लिखा जा सकता है 2+6 अयोटा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने अयोटा वाली फॉर्म में लिखा, डिवाइडिंग बाय 3+7 अयोटा, ओके, नेक्स्ट 2+6 अयोटा डिवाइडिंग बाय 3+7 अयोटा। मेरे बेटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं उसके कंजुगेट के साथ, 3-7 अयोटा और 3-7 अयोटा। अब मेरा बेटा नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2+6 अयोटा मल्टीप्लाई 3-7 अयोटा ओवर 3+7 अयोटा और 3-7 अयोटा। अब मेरा बेटा जैसे आप मल्टीप्लाई करवाते रहते हैं वैसे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 6 -14 अयोटा +18 अयोटा -42 अयोटा स्क्वायर ओवर। ये मेरा बेटा एक फार्मूला है, a+b a-b a² -b² ये देखिए पहली वैल्यू सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर +-, दूसरी वैल्यू सेम है उसका स्क्वायर। अब मेरा बेटा इसको सॉल्व करें, जी वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 6, जी -14 अयोटा +18 अयोटा प्लस का हो गया 4 अयोटा और माइनस का, ये देखें ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये हो जाएगा +42 और डिवाइडिंग बाय 9-3 का स्क्वायर 9-7 का स्क्वायर 49 और अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट मेरा बेटा ये 6 और ये 48 +4 अयोटा ओवर 9 प्लस, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये -, ये +49, तो ये मेरा बेटा इसका आंसर है 48 +4 अयोटा ओवर 58। मेरा बेटा इसको हम
फाइनल ऐसे भी लिख सकते हैं 48 ओवर ओके 48 ओवर 58 प्लस 4 ओवर 58 आयोटा। मजीद मेरा बेटा इसको सिंपलीफाई आप कर लीजिएगा, और अगर कर लेते हैं 2 4 24 ओवर 29 कॉमा 2 ओवर 29, ये मेरा बेटा ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ठीक मेरे बेटा, यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। कल इंशाल्लाह हम इसको आगे देखेंगे और नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।